हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन डिजाइन वन इज़ टू एट डी मल्टीप्लेक्सर यूजिंग वन इज़ टू टू डी मल्टीप्लेक्सर मीन्स की वी हैव टू डिज़ाइन वन इज़ टू एट हमारा रिक्वायर्ड डी मल्टीप्लेक्सर इज़ वन इज़ टू एट एंड एवेलेबल डी मल्टीप्लेक्सर इज वन इज़ टू टू ठीक तो हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ इनपुट्स आउटपुट एंड सेलेक्शन लाइन सेपरेटली तो सबसे पहले नंबर ऑफ इनपुट्स नंबर ऑफ input number of input for 1 is to 8 is equal to 1 and for 1 is to 2 is 1t now number of outputs outputs for this 8 for this 2t now number of selection line selection lines will be equal to एट को हम क्या लिख सकते हैं एट कैन बी रिटर्न एज टू रेस टू पावर थ्री तो दिस थ्री इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन मीन्स की थ्री सिलेक्शन लाइन इन दिस केस टू कैन बी रिटर्न एज टू रेज टू पावर वन मीन्स की वन सिलेक्शन लाइन क्लियर नाउ ये थ्री सिलेक्शन लाइन को मैं सपोज नेम दे देती हूँ एस टू एस वन एस नॉट दिस इज एल एस बी एंड दिस इज एम एस बी ठीक ये तो हमारी बेसिक थिंग्स थी जो हमें रिक्वायर्ड होंगी वो हमने फाइंड आउट कर ली नाउ अब हमें फाइंड आउट करना होगा हाउ मेनी वन इज टू टू इज रिक्वायर्ड तो लिखेंगे नंबर ऑफ वन इज टू टू डी मार्क्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय अवेलेबल आउटपुट ओके नाउ रिक्वायर्ड आउटपुट इज एट को अगेन टू से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिला टू अगेन दिस इज पॉसिबल की हम इस टू को डिवाइड कर सकते हैं अगेन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बाई टू तो हमने फिर से डिवाइड किया नाव वट इज क्वेश्चन नाव क्वेश्चन इज वन नाउ वन कैन नॉट भी डिवाइड बाई टू ठीक अगर हम डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा और हमारी जो काउंटिंग होगी वो फ्रैक्शन में नहीं होगी यहाँ पर नाउ जो हमें ये नंबर्स मिल गए तो हमें क्या मिला दिस इज द नंबर ऑफ डिमर्स एट लेबल वन ठीक दिस इज द नंबर ऑफ डिमक्स एट लेबल टू नाउ दिस इज द नंबर ऑफ डिमर्स एट लेबल थ्री ठीक तो हाउ मेनी ना हाउ मेनी वन इज टू टू इज रिक्वायर्ड वन इज टू टू टोटल टोटल टू फोर प्लस टू प्लस वन सेवन सेवन रिक्वायर्ड होंगे ठीक है ये हमारे हो गए और दूसरी चीज पहले मैं कनेक्शन करती हूँ ठीक है तो सेवन रिक्वायर्ड होंगे तो फर्स्ट अब हमें टोटल काउंट पता है तो अब हम कनेक्शन करते हैं तो हमारा जो लेबल थ्री होगा वहां कितने होंगे फोर वन टू थ्री एंड फोर डन टू आउटपुट्स टू आउटपुट्स वन इज़ टू टू वन इज़ टू टू वन इज टू टू वन इज टू टू डेन दिस इज वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स वाई सेवन ठीक अगर हम बात करें वन इज़ टू एट की वन इज टू एट की तो दीज आर द एट आउटपुट्स क्लियर और अगर हम इंडिविजुअल डीमक्स की बात करें तो एवरी डीमक्स के पास टू आउटपुट्स हैं दिस इज फॉर जीरो दिस इज फॉर वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन ठीक नाउ ये हो गया हमारा लेबल टू सॉरी दिस इज लेबल थ्री नाउ लेबल टू पर कितने रिक्वायर्ड हैं टू रिक्वायर्ड हैं तो हम क्या कनेक्ट करेंगे टू वन एंड टू ठीक वन इज टू टू वन इज टू टू ठीक अब एवरी के टू आउटपुट होंगे क्लियर तो फर्स्ट आउटपुट ऑफ दिस वर्क एज इनपुट फॉर दिस सेकेंड आउटपुट वर्क एज इनपुट फॉर दिस इसका फर्स्ट आउटपुट वर्क करेगा एज ए इनपुट फॉर दिस सेकेंड वर्क एज ए इनपुट फॉर दिस ठीक है ये हमने कनेक्शन किया नाउ एट लेबल वन हमें कितने चाहिए वन मोर दिस वन तो हमारे पास एक यहाँ पर और यूज होगा ठीक वन इज टू टू दिस वन जीरो वन जीरो आपका वर्क करेगा एज ए इनपुट फॉर दिस वन वर्क करेगा एज ए इनपुट फॉर दिस ठीक है नाउ इसकी जो एक इनपुट होगी दैट इज द इनपुट फॉर वन इज टू एट हमारा रिक्वायर्ड क्या था वन इज टू एट वन इनपुट एट आउटपुट्स ये हमारी इनपुट वन थी दिस वन एट आउटपुट दिस वन क्लियर ये हमारे एट आउटपुट हो गए नाउ सिलेक्शन लाइन सिलेक्शन लाइन कितनी है एस टू एस वन एस नॉट क्लियर तो एस टू हमारी कनेक्ट होगी एम एस बी पर यहां पर यहां पर हमारी कनेक्टेड होगी एस वन डन ठीक है अब इनके लिए हमारी कॉमन सिलेक्शन लाइन होगी उसको हम क्या लिखेंगे दिस इज एस नॉट क्लियर एस टू एस वन एस नॉट ठीक अब अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें ट्रुथ टेबल ऑफ वन इज टू एट डी ठीक सिलेक्शन लाइंस एस टू एस वन एस नॉट हाउ मेनी कॉम्बिनेशन एट कॉम्बिनेशन बिकॉज थ्री इनपुट्स हैं डन हाउ मेनी आउटपुट्स एट आउटपुट्स वाई नॉट वाय वन वाय टू वाई थ्री फोर फाइव सिक्स Y7, ठीक एट अ टाइम एक आउटपुट पर ही हमें इनपुट मिलेगी मीन्स कि कब जब सेलेक्शन लाइन जीरो अवेलेबल होगी वाई नॉट पर ठीक जब जीरो जीरो अवेलेबल होगी आई वन पर ठीक जब जीरो है दिस इज इक्वेलेंट टू टू मीन्स कि हमें आउटपुट y2 पर 011 हमें i कहाँ मिलेगी i3 पर 100 i आई कहाँ मिलेगी हमें यहाँ पर i4 पर ठीक है सॉरी आई मिलेगी हमें वाई फोर पर ठीक है दिस इज वाई फोर वन जीरो वन के केस में हमें कहाँ मिलेगी वाई फाइव पर वन वन जीरो के केस में हमें ये मिलेगी वाई सिक्स पर और वन वन हमें कहाँ मिलेगा आई वाई सेवन पर ठीक और उस टाइम पर रिमेनिंग ऑल क्या होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे जीरो डन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ दिस इज द कंप्लीट टेबल फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेक करें वन जीरो जीरो ठीक है वन जीरो जीरो दिस इज इक्वेल टू फोर तो हमारा वाई फोर ये देखो वाई फोर इधर से और यहाँ पर हमारा दिस वन ठीक यहाँ पर हमें आई अवेलेबल हुई ठीक नाउ अब हम चेक करते हैं मीन्स कि वाई फोर हमारे आई हमारी कहाँ अवेलेबल हुई वाई फोर पर ठीक हम यही एग्जाम्पल यहाँ पर लेके चलते हैं आई हैव वेरीफाइड फॉर दिस कॉम्बिनेशन तो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ एस टू इज वन वन एस वन इज़ ज़ीरो जीरो एस नॉट इज ज़ीरो जीरो ठीक नाउ इफ एस नॉट इज ज़ीरो तो वाई नॉट वाई टू वाई फोर वाई सिक्स विल बी सेलेक्टेड ये बिकॉज सबका ज़ीरो सेलेक्ट होगा नाओ इन दिस केस एस वन इज ज़ीरो मीन्स कि सबका ज़ीरो सेलेक्ट होगा मीन्स की अपर पाथ दस इन दिस वन क्लियर नाओ इन दिस केस एस टू इज इक्वल टू वन मीन्स की फॉर दिस डी मल्टीप्लेक्सर वन विल भी सेलेक्टेड मीन्स की वन सेलेक्ट होगा तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा ज़ीरो एंड एट वन हमें क्या मिलेगी आई ठीक यहाँ जीरो मिलेगा मीन्स कि दिस पोर्शन विल बी ऑफ अगर ये पोर्शन ऑफ होगा तो बट ऑब्वियस ये भी हमारा ऑफ होगा तो ये तीनों मक्स डिमक्स हमारे ऑफ हो गए ये तीन डिमक्स हमारे अपर ब्रांच वाले ऑफ हो गए नाउ ये आई कहाँ अवेलेबल होगी एट द इनपुट ऑफ दिस डिमक्स नाओ दिस डिमक्स का हमारा कौन सा आउटपुट सेलेक्टेड है नॉड वाला मीन्स कि इनपुट कहाँ अवेलेबल होगी ज़ीरो यहाँ पर इनपुट अवेलेबल होगी इस पर इनपुट अवेलेबल होगी इस पाथ पे ज़ीरो होगा ये बात किससे कनेक्टेड है इस वाले डी मल्टीप्लेक्सर से मीन्स कि दिस विल बी ऑफ अगर ये ऑफ होगा ये ऑन हुआ तो इसका आई जो है कहाँ होगा इस डी मल्टीप्लेक्सर अब वो किस आउटपुट पे मिलेगा वो किससे डिसाइड होगा वो एस नोड से एंड एस नोड ने इन दोनों आउटपुट में से किस आउटपुट को सेलेक्ट किया जीरो को और जीरो किससे कनेक्टेड है वाई फोर से मींस कि हमें जो आई मिलेगी वो कहाँ मिलेगी वाई फोर पर ठीक तो आई हैव जस्टिफाइड द टेबल इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच